भाई इतनी गर्मी हो रही है यार, बहुत तेज धूप है आज। तो भाई मैंने अभी आपको बताया था ना कि आज थोड़ा जल्दी में हूँ, तो इस वजह से मैं जल्दी में था। आज तो बहुत डांट लगेगी यार, सच में यार। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक न्यू ब्लॉग में। मैं बढ़िया हो सकता हूँ, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अभी चलते हैं, कमतरी के लिए निकलना है। जहाँ अंकल जी से मिलाया था आपको मैंने, उन्हीं के पास आज दोबारा से पहुँचेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो एक बार कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए और फिर निकलते हैं आगे। भाई इतनी गर्मी हो रही है यार, बहुत तेज धूप है आज। तो भाई मैंने बताया था कि कमतरी पहुँचना है, तो भाई कमतरी से लगभग अभी 4 या 5 किलोमीटर पीछे हूँ मैं। बहुत धूप है यार, लगभग ऐसे ही चलता हूँ कि 2 किलोमीटर चलता हूँ, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के रुकना पड़ता है बार बार। अभी बस ये आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ पर अपनी श्याम प्यारी खड़ी हुई है, भाई जी ने ऑफर की है। यहीं कमतरी के पास भाई जी की शॉप है। कहाँ है आपके ये जगह? बड़े गांव ये बड़े गांव पे लगते है बाकी भाई जी की ठेली। और भाई यार बहुत गर्मी है, आज का ब्लॉग ना बिल्कुल ही लंबा नहीं हो पाएगा, छोटा सा ही ब्लॉग होगा आज का, क्योंकि ना यार मन ही नहीं हुआ इतनी गर्मी में ब्लॉग बनाने का। आज थोड़ा जल्दी भी था, कमतरी जल्दी पहुंचना था इस वजह से, और नहीं तो फिर दोपहर में कहीं रुक जाते और फिर थोड़ा टाइम बाद चलते, लेकिन आज थोड़ा जल्दी था। बोली है भाई आगे बताते हैं आपको क्यों जल्दी थी। तो भाई मैंने अभी आपको बताया था ना कि आज थोड़ा जल्दी में हूँ, तो इस वजह से मैं जल्दी में था। ये अभी मैं देखिए किस में हूँ, मैं साइकिल से आ चुका हूँ ट्रक में। ये देखिए मैं भाई के साथ जा रहा हूँ चखन नगर के लिए। तो भाई इसीलिए मैं जल्दी में था, आज थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और मुझे अभी घर जाना था। क्या हुआ ना कि मैं यहीं होते हुए निकल रहा हूँ, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर मेरा घर है, 90 किलोमीटर। तो पापा ने बोला कि होली घर भी कर ले, उसके बाद निकल जाना अगली ट्रिप पे, मतलब इसी ट्रिप पे उसके बाद निकल जाना 2 दिन बाद। और सोचा घर हो लें कमतरी में, जिससे अंकल जी से आपको मिलाया था ना अपने पिछले ब्लॉग में, तो उन्हीं के यहाँ मैंने अपनी साइकिल खड़ी कर दी है और थोड़ा सा एक बैग लेके थोड़ा सामान लेके थोड़ा सा वहाँ रखा हुआ है, तो निकल आया हूँ घर के लिए। तो अभी भाई ट्रक से जा रहा हूँ चकन नगर के लिए, पहुँचते हैं चकन नगर और मिलते हैं उस्ताद से, मिलाता हूँ। अरे आप कहाँ से भाई? भाई मैं गोवा से हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा, तो भाई चलते हैं चकन नगर, मिलते हैं आपसे चकन नगर पहुँच के। भाई यार लेट हो चुका हूँ, लगभग 6:30 तो बज ही गए हैं। तो अभी पहुंचेंगे हनुमंतपुरा, उसके बाद हनुमंतपुरा से फिर कोई वाहन देखेंगे, वहाँ तो ऑटो वगैरह मिलती नहीं है यार, बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप भी देख रहे हैं ना कहाँ किससे जा रहा हूँ, वही बस ऐसे ही चलता है यहाँ पे। कहीं मैं अगर औरैया होते हुए आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो कोई नहीं पहुँच ही जाएंगे, रात को पहुँचेंगे, देखते हैं कब पहुँचते हैं यार। तो भाई जगमनपुर तो पहुंच चुका हूं, अब यहां से पैदल चल रहा हूं। अभी मेरा गांव जो है ना वो 12 किलोमीटर है, पापा आ रहे हैं लेने के लिए, थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो पापा आ जाते हैं। आज तो बहुत डांट लगेगी यार, सच में यार। पापा ने बोला था कि रुक जाना कमतरी में एक दिन, कल निकल जाना सुबह, लेकिन यार मैं ही नहीं माना यार, निकल आया। अब देखते हैं पापा क्या बोलते हैं, आज तो डांट लगेगी यार।